डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे एक लड़के को उसके साथ पढ़ रही एक महिला डॉक्टर से एकतरफा प्यार हो जाता है, जबकि उस लड़की की शादी साथ में पढ़ रहे किसी दूसरे डॉक्टर से तय हो गई थी। इसके बावजूद उस लड़के ने एकतरफा प्यार की अपनी जिद नहीं छोड़ी। लड़की के मना करने के बाद उस लड़के ने अस्पताल के एक वार्ड बॉय के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर सबका दिल दहल गया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। डिब्रूगढ़ का असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम राज्य का जाना माना सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। 24 वर्षीय डॉक्टर सरिता तोशनीवाल इसी मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अस्पताल के महिला रोग विभाग में बतौर जूनियर डॉक्टर उनकी अक्सर ड्यूटी लगती रहती थी। 8 मई 2014 की रात भी वह अपनी ड्यूटी पर थी। उस रात उन्होंने महिला वार्ड में सुबह 4 बजे तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर विश्राम गृह में आराम करने चली गईं। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आई एक नर्स को जब डॉक्टर सरिता तोशनीवाल दिखाई नहीं दी तो वह यह सोचकर डॉक्टर विश्राम गृह में चली गई कि रात की थकी हारी डॉक्टर सरिता शायद गहरी नींद में सो गई होंगी। उस समय महिला वार्ड में लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। डॉक्टर सरिता विश्राम गृह में बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थीं। नर्स ने उन्हें उठाने के लिए कई आवाजें दी लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। संदेह हुआ तो नर्स ने डॉक्टर सरिता के शरीर पर पड़ा कंबल हटाकर देखा। कंबल हटाते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टर सरिता का शरीर खून से लथपथ था और उनके गले में चाकू घुसा हुआ था। यह देखकर नर्स चीखते हुए बाहर भागी। वह बदहवासी की स्थिति में थी और रोने चीखने के अलावा किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। नर्स का इशारा समझकर कई डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी दौड़कर विश्राम गृह में पहुंचे। डॉक्टर सरिता की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। निस्संदेह उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में हत्या जैसा बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉक्टर सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल चाकू से की गई थी और हत्या के बाद चाकू को गले में ही छोड़ दिया गया था। मृतका के शरीर के कपड़े उतारे गए थे, इससे लगा कि डॉक्टर सरिता के साथ दुष्कर्म करने की भी चेष्टा की गई थी। डेड बॉडी और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर सरिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही रात्रि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय से भी पूछताछ की गई। इस बीच इस घटना की सूचना डॉक्टर सरिता के घर वालों को भी दे दी गई थी। डॉक्टर सरिता का परिवार डिब्रूगढ़ से 470 किलोमीटर दूर जिला शिवसागर के अमोलापट्टी में रहता था। उनके पिता किशनलाल तोशनीवाल का सेंट्रल मार्केट में अपना व्यवसाय था, जबकि माँ कृष्णा तोशनीवाल गृहिणी थीं। यह परिवार मूलतः राजस्थान का रहने वाला था, जो सालों पहले असम जाकर बस गया था। घटना वाले दिन सरिता की माँ कृष्णा राजस्थान गई हुई थीं, उन्हें वहीं सूचना दी गई। डॉक्टर सरिता तोशनीवाल की उसी अस्पताल में हत्या कर दी गई थी जहां वह काम करती थीं। अंग्रेजों के जमाने में बने असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गिनती प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में होती है। वहां के अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घटना से राजधानी डिब्रूगढ़ में तहलका सा मच गया था। असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा स्टाफ और स्टूडेंट घबराए हुए थे। स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय SP राणा भुइयां ने इस मामले की जांच की कमान खुद संभाल लिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करने का निर्णय लिया जो उस रात ड्यूटी पर थे। पुलिस टीम ने तत्काल पूरे स्टाफ को एकत्र कर लिया। जब सब लोगों से पूछताछ की जा रही थी तो एक पुलिस अफसर की निगाह वार्ड बॉय किरु मैक के चेहरे पर ठहर गई। उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के ताजा निशान थे। पुलिस अफसर को शक हुआ तो उसने किरु मैक से तीखे स्वर में सीधा सवाल किया, तुमने डॉक्टर सरिता की हत्या क्यों किया, बलात्कार करना चाहते थे क्या?
पल भर के लिए किरु के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर भी वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोला, सर आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ड्यूटी पर था, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, थाने चलकर गलत फहमी दूर कर लेते हैं, कहकर अफसर ने किरु का हाथ पकड़ा तो उसके शरीर की कपकपाहट अफसर से छिपी ना रह सकी। अफसर ने एसपी राणा भुइया को बता दिया कि हत्यारा किरु मैक है। पुलिस उसे साथ लेकर थाने लौट आई। थाने में किरु मैक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर सरिता तोशनीवाल की हत्या उसी ने की थी, लेकिन अकेले नहीं किया था। इस हत्या में डॉक्टर सरिता का बैचमेट डॉक्टर दीपमणि सैकिया भी शामिल था। डॉक्टर दीपमणि का नाम सामने आने से पुलिस भी हैरान रह गई। किरु मैक से विस्तृत पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके और डॉक्टर दीपमणि सैकिया के विरुद्ध धारा 302/34 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मुर्दाघर में रखी डॉक्टर सरिता की डेड बॉडी के नाखूनों के अंदर फंसी खाल के कण भी प्राप्त कर लिए, ताकि उन कणों का मिलान लेबोरेटरी में किरु मैक की स्किन से कराया जा सके। एक ओर पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि की खोजबीन शुरू की तो दूसरी ओर किरु मैक का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दर्ज कराया। इसके साथ ही उसे 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया। डॉक्टर सरिता तोशनीवाल की हत्या को लेकर असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही नहीं बल्कि पूरे डिब्रूगढ़ में असंतोष फैला हुआ था। लोग तुरंत डॉक्टर दीपमणि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देर शाम तक डॉक्टर सरिता के घर वाले भी डिब्रूगढ़ पहुंच गए। बेटी की लाश देखकर वे होश खो बैठे। राजस्थान में होने की वजह से डॉक्टर सरिता की मां कृष्णा उस दिन डिब्रूगढ़ नहीं पहुंच पाई थीं। पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि को पकड़ने की काफी कोशिश किया, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर सरिता की लाश उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूरा स्टाफ ही नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ के हजारों लोग भी डॉक्टर सरिता के परिवार के साथ थे और हत्यारे डॉक्टर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता और हकीकत सामने नहीं आती हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों के दबाव की वजह से पुलिस डॉक्टर दीपमणि को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर सरिता के घर वालों और सहकर्मियों से पता चला कि उनका और उनके बैचमेट डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विवाह तय हो गया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को होनी थी और इसके लिए दोनों परिवार तैयारियों में लगे थे। यह उन दोनों का प्रेम विवाह था जो दोनों के परिवारों की सहमति से हो रहा था। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर रोशन के बीच पढ़ाई के दौरान ही प्यार हुआ था। 2013 में दोनों ने अपनी शादी की इच्छा अपने अपने घर वालों से जाहिर कर दी थी। इसके बाद आपसी बातचीत करके दोनों परिवार उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन डॉक्टर सरिता की हत्या ने दोनों परिवारों की खुशियां लील लिया। काफी भागदौड़ के बाद पुलिस ने आखिर 14 मई को डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच वह समझ चुका था कि अब किसी तरह भी बचना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस पूछताछ में उसने डॉक्टर सरिता की हत्या की पूरी कहानी बता दिया। हत्या की योजना डॉक्टर सैकिया की खुद की थी, जबकि किरु को उसने लालच देकर इस पाप में शामिल किया था। दरअसल सरिता, रोशन और दीपमणि असम मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे थे। हसमुख स्वभाव की खूबसूरत सरिता सभी साथियों को पसंद थी। पढ़ाई लिखाई में भी वह होशियार थी। सरिता के दीपमणि से भी अच्छे संबंध थे और रोशन अग्रवाल से भी अच्छे संबंध थे। तीनों के बीच खूब बातें होती थीं, आमने सामने भी और फोन पर भी होती थीं। इसी सब के चलते दीपमणि सैकिया सरिता से एक तरफा प्यार करने लगा था। अपने मन की बात वह सरिता से कह नहीं पाया, यह अलग बात थी। डॉक्टरी की पढ़ाई के आखिरी साल में सरिता और उनके बैचमेट्स डॉक्टर दीपमणि की ड्यूटी बतौर जूनियर डॉक्टर असम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लगा दी गई।
सरिता और दीपमणि चूंकि महिला रोग चिकित्सक के रूप में ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसलिए दोनों की ड्यूटी महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में लगाई गई। जबकि डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विषय अलग था, सो उनकी ड्यूटी दूसरे विभाग में लगी थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल और डॉक्टर सरिता तोशनीवाल पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी बीच दोनों में प्यार हुआ और दोनों के परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल नगाम कठिया तुली के रहने वाले थे। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि एक विभाग में तैनात होने की वजह से एक दूसरे से मोबाइल पर बात भी करते रहते थे और यदाकदा मैसेज भी भेजते रहते थे। डॉक्टर सरिता समझदार लड़की थी। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर दीपमणि उनके साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उनकी शादी तय हो चुकी थी और वह कतई नहीं चाहती थी कि किसी के मन में कोई गलत फहमी पैदा हो जाए। एक लड़की के रूप में लिया गया उनका यह फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन डॉक्टर सरिता का बातचीत बंद करना डॉक्टर दीपमणि सैकिया को बहुत बुरा लगा। उसने डॉक्टर सरिता को कई मैसेज भेजे ताकि वह उसकी भावनाओं को समझ सकें, लेकिन उन्होंने उसके किसी मैसेज का जवाब देने के बजाय उसे लताड़ दिया। डॉक्टर दीपमणि को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन डॉक्टर सरिता को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। यह काम चूंकि वह खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वार्ड बॉय किरु मैक की मदद लेने का फैसला किया। किरु मैक डिब्रूगढ़ के गांव लाहोवाल का रहने वाला था। वह कई अपराधों में शामिल रह चुका था। इसके बावजूद किसी की सिफारिश पर उसे असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थायी वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। डॉक्टर दीपमणि किरु मैक को पसंद करता था और उसकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी के समय ही लगवाता था। जब डॉक्टर सरिता ने डॉक्टर दीपमणि से बातें करना बंद कर दिया, तो एक दिन उसने किरु मैक से कहा, अगर तुम एक काम में मेरी मदद करोगे तो मैं अस्पताल के अध्यक्ष महेंद्र पटवारी से कहकर तुम्हारी नौकरी स्थायी करा दूंगा, वह मेरे काफी करीबी हैं। किरु लालच में आ गया तो डॉक्टर दीपमणि ने उसे बता दिया कि डॉक्टर सरिता को ठिकाने लगाना है। सुनकर पहले तो वह हिचका, लेकिन जब दीपमणि ने उसे लालच देकर अपनी योजना समझाई तो वह मान गया। दोनों ने तय किया कि वे 24 अप्रैल को अपनी योजना को अंजाम देंगे। लेकिन 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सरिता की व्यस्तता बढ़ गई थी। फलस्वरूप उस दिन इन लोगों की योजना सफल नहीं हो सकी। पहली नाकामयाबी के बाद इन दोनों ने अपनी योजना के लिए अगली तारीख 9 मई तय किया। 8 मई की शाम को डॉक्टर सरिता समय पर अस्पताल आईं और अपनी ड्यूटी पर लग गईं। उस वक्त वह बहुत खुश थीं। डॉक्टर दीपमणि की भी उस दिन नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उसने अपनी तबीयत खराब बताकर छुट्टी ले ली थी। इसके बावजूद वह अस्पताल में ही छिपकर बैठ गया था। उसने ड्यूटी पर तैनात किरु मैक से कह दिया था कि जब मौका मिले उसे बता दे, हर हालत में आज काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर सरिता ने रात भर ड्यूटी की और करीब 4 बजे डॉक्टर विश्राम गृह में जाकर सो गई। रात्रि ड्यूटी वाली एक नर्स वहां पहले ही सोई हुई थी। 9 मई की सुबह 5:30 बजे वार्ड बॉय किरु मैक रोजाना की तरह अस्पताल का रजिस्टर वार्ड में जमा कराने जा रहा था, तभी ब्लड बैंक के पास छिपे डॉक्टर दीपमणि ने उससे पूछा कि रात की ड्यूटी वाली नर्स गई क्या। इस पर उसने बताया कि नर्स अभी सो रही है। डॉक्टर दीपमणि ने उससे कहा, उसे कहो कि ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अब घर जाएं। रजिस्टर जमा कराने के बाद किरु मैक विश्राम गृह में पहुंचा और नर्स को जगाकर कहा, 7 बज गए हैं, घर नहीं जाना क्या। उस समय 5:30 बजे थे। नर्स नींद में थी। उसे लगा किरु कह रहा है तो 7 ही बजे होंगे। वक्त पर ध्यान ना देकर वह बाहर निकल गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद डॉक्टर दीपमणि और किरु मैक पिछले दरवाजे से आईसीयू के पास स्थित डॉक्टर विश्राम गृह में जा पहुंचे। डॉक्टर दीपमणि सैकिया पहले ही सोचकर आया था कि उसे क्या करना है। इसके लिए वह एक सर्जिकल चाकू और फिनाइल की बोतल साथ लाया था। उसने हाथों में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी के समय इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लव्स पहन रखे थे। ये तीनों चीजें उसने अस्पताल से ही हासिल की थीं।
विश्राम गृह में आकर डॉक्टर दीपमणि ने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दिया। डॉक्टर सरिता उस समय गहरी नींद में थी। केरू और दीपमणि ने मिलकर सरिता का गला दबाना शुरू कर दिया। इससे उनकी आंख खुल गई और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाकर केरू मैक का चेहरा पकड़ने की कोशिश किया। इसी चक्कर में उसके गालों पर डॉक्टर सरिता के नाखूनों के निशान बन गए। हालांकि गला दबाने से डॉक्टर सरिता अधमरी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर दीपमणि उन्हें किसी भी तरह जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने साथ लाई फिनाइल की बोतल खोलकर डॉक्टर सरिता के मुंह में उड़ेल दिया। इतना सब करने के बाद भी दीपमणि को चैन नहीं मिला तो उसने साथ लाए सर्जिकल चाकू से डॉक्टर सरिता के गले की नस काटकर चाकू गले में ही छोड़ दिया। इस तरह डॉक्टर सरिता को ठिकाने लगाकर डॉक्टर दीपमणि और किरु मैक ने मिलकर डॉक्टर सरिता के कपड़े उतार दिए और उनकी लाश पर कंबल डालकर पिछले दरवाजे से अस्पताल के बाहर चले गए। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने किरु मैक की निशानदेही पर उसके कमरे से डॉक्टर सरिता का मोबाइल बरामद कर लिया। उसकी जांच से पता चला कि उन्होंने रात में आखिरी कॉल अपने मंगेतर डॉक्टर रोशन अग्रवाल को की थी। अपनी जांच में पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि सैकिया और किरु मैक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा कर उनकी भी जाँच किया। पता चला कि डॉक्टर सरिता ने पिछले एक महीने से डॉक्टर दीपमणि को ना तो कोई फोन किया था और ना कोई मैसेज भेजा था। अलबत्ता दीपमणि और किरु मैक के बीच बातें जरूर हुई थीं। पुलिस हिरासत में किरु मैक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि डॉक्टर सरिता की हत्या के लिए वह दोषी जरूर है, लेकिन उससे बड़ा गुनाहगार डॉक्टर दीपमणि सैकिया है, इसलिए फांसी की सजा दोनों को मिलनी चाहिए। बहरहाल विस्तृत पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे इस मामले में डॉक्टर दीपमणि सैकिया के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे को साजिशन फंसाया गया है। 9 साल बाद मई 2023 में इस केस का फैसला आया। डिब्रूगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने 17 मई 2023 को मेडिकल छात्रा डॉक्टर सरिता तोशनीवाल की हत्या के लिए असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्ड बॉय किरु मैक को दोषी ठहराया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर दीपमणि सैकिया को बरी कर दिया है। किरु मैक को IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, पहली गलती अनजान में होती है, जब उसकी गलती को बार बार दोहराते हैं तो गलती नहीं आदत कह सकते हैं, अपनी गलती सुधारने को एक मौका मिले तो जरूर ध्यान देना चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हर इंसान अपनी गलती से ही कुछ सीखता है और अपनी गलती को सुधार लेना ही आदमी की सबसे बड़ी समझदारी होती है। विक्की कालिया जी ने कमेंट किया है, विक्की कालिया हिमाचल प्रदेश, गुड स्टोरी विवेक भाई। विक्की भाई आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, ईर्ष्या में निर्दोष की जान गई, माँ बाप को जिंदगी भर दुख के सहारे जीना पड़ेगा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, हेलो सर, इस स्टोरी के बारे में सुना था, आज जान भी लिया कि रियलिटी क्या थी। पुलिस को साथ देना चाहिए कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो। वेरी सैड मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। असद लाघरी जी ने कमेंट किया है, क्राइम की कहानी बहुत अच्छा चैनल है। असद जी आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। विवेक जी ने कमेंट किया है, हेलो मिस्टर विवेक, आप अक्सर क्राइम स्टोरी में उन किरदारों का नाम और फोटो नहीं देते जो क्राइम का मुख्य कारण होते हैं, जैसी कि इस कहानी में विकास। कृपया आपसे एक अनुरोध है, आगे से इस बात को प्लीज ऐड करें। भाई जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पर फोटो उपलब्ध नहीं होता है, मजबूरी में जो मिलता है वही डालना पड़ता है। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, बहुत ही निंदनीय जुर्म, सुपर एक्सप्लेन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रंजीत अठवाल जी ने कमेंट किया है, आई एम फ्रॉम पंजाब, वेरी नाइस स्टोरी सर। अठवाल जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया।
मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, कानून वुमन के साथ है, मैन के लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं, कोई समझाने के बाद भी ना समझे तो यही होगा। प्रभाकर जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सर ऐसा नहीं है, अपने देश में कानून सबके लिए बराबर है। मोहित कनौजिया जी ने कमेंट किया है, लव फ्रॉम लखनऊ। मोहित जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पल्लवी त्रिषा जी ने कमेंट किया है, आप बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शाजिया मुस्तफा जी ने कमेंट किया है, रमजान में इतनी बिजी हूँ फिर भी टाइम निकाल लेती हूँ आपकी कहानी सुनने के लिए, सोने से पहले कहानी सुनना जरूरी हो गई है, नहीं तो नींद नहीं आती है। शाजिया मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैम आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो दिल खुश हो जाता है और काम करने का हौसला मिल जाता है। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, अपनी इल्लीगल रिलेशनशिप के लिए अपनी जान गवा दिया, पति ने तो सावधान करा दिया था तो उसको संभल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं तो अब अपना परिणाम भुगतो। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैम समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आते हैं, जब समझ आता है तब तक समय निकल चुका होता है। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे कल्पना लिंबू जी, रोशनी पटेल जी, कंचन पटेल जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, अलोक सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सरिता सिंह जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।